दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दोस्तों, दुनिया को देख कर जो फैसला लेते हैं दोस्तों, वह इंसान ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुख रह पाते हैं और उन्हें हमेशा दुख ही झेलना पड़ता है जी। दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी जातक अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, आप सभी जातकों को बताना चाहेंगे कि आप लोग हो जाइए अगले 24 घंटे तक सावधान, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी ज़िंदगी में बड़ा तूफान आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में इन 24 घंटे के अंदर तूफान की तरह संकट आने वाले हैं। चारों तरफ से आप लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, तो आप लोग समय रहते सावधान हो जाइए, नहीं तो एक झटके में आपका सब कुछ खत्म ना हो जाए जी। दोस्तों, इसलिए समय रहते आप लोग सावधान हो जाइए और आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि आप लोगों को अगले 24 घंटे तक क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेगी, कौन कौन सी गलतियों को करने से ऐसे में आपको बचकर रहना होगा, तो कौन कौन सी मुसीबतों का और संकटों का सामना आप लोगों को अगले इन 24 घंटे के अंदर करना पड़ सकता है, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ी मुसीबत आने वाली है, किन किन क्षेत्र में आप लोगों को क्या बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो साथ या 24 घंटे के अंदर आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ी खुशखबरी भी लेकर आ रहे हैं, तो कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में इन 24 घंटे के अंदर होने वाले हैं, और साथ ही बात करेंगे इन 24 घंटे तक आपका लव लाइफ कैसे रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगे, घर परिवार का माहौल कैसे रहेंगे और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी जातकों को पूरी सटीक बताऊंगा, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी जातकों के लिए एक बहुत ही खास, एक बहुत ही कारगर उपाय हम बताएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस उपाय को आने वाले इन 24 घंटे के अंदर कर लेंगे, यानी कि शुक्रवार के दिन कर लेंगे, तो दोस्तों मैं किन के साथ कहता हूँ कि आप जिन समस्याओं का सामना सालों से करते आ रहे थे या फिर जो परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, दोस्तों उन सारी मुसीबतों से आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेंगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बनी रहेंगी। तो दोस्तों, आप लोग इस उपाय को अगले 24 घंटे के अंदर जरूर कीजिएगा जी। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले माता लक्ष्मी जी के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखें, आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं, दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इस दिन की पंचांग। दोस्तों, इस दिन शुक्रवार का दिन है और दोस्तों शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का पावन दिन रहने वाला है। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पद की द्वादशी तिथि रात्रि 11:36 के उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगी और दोस्तों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर सूर्य की बात करें, दोस्तों सिद्धि युग रात्रि 11:44 के उपरांत व्यतिपाद योग प्रारंभ हो जाएंगे। और दोस्तों, राहु काल की समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद अशुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 11:16 से लेकर के दोपहर 12:41 तक रहेंगे। दोस्तों, यह समय अंतरण में आप लोग अपने जीवन काल में कोई शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ कार्य में कोई भी संकट आ सकते हैं। और दोस्तों, अगर अब जुम्र समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद शुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 8:26 से लेकर के सुबह 9:51 तक रहेंगे। दोस्तों, यह समय अंतरण में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों, सूर्य कुंभ राशि पर है और दोस्तों चंद्रमा धनु राशि के उपरांत मकर राशि पर संचार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में समस्त ग्रहों के चाल और चंद्रमा का जो मकर राशि पर गोचर है, दोस्तों इसका प्रभाव आपके ज़िंदगी पर कैसा पड़ने वाले हैं, आप लोगों को हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ पूरी सटीक बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे का समय आप सभी जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज
चंद्रमा का संचार मकर राशि पर हो रहा है और साथ ही आज उत्तर सड़ा नक्षत्र पूरे दिन भर आपके कुंडली पर बना रहेंगे। तो ऐसे में ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव से आज आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छी बेहतर होती जाएंगी। यानी कि दोस्तों आज के दिन आप लोगों को कुछ ऐसे क्षेत्रों से धन लाभ की प्राप्ति होंगी जिनसे आर्थिक स्थिति में आज आपके काफ़ी अच्छे सुधार भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर आपने किसी भी क्षेत्र में पूर्व समय पहले ही निवेश किए हुए थे तो उन क्षेत्रों से ऐसे में आप लोगों को अचानक से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपने किसी भी इंसान को पूर्व समय पहले ही पैसा उधार में दिए हुए थे या फिर आप उस पैसों के बारे में भूल गए थे तो वह पैसा भी आज आपके पास अचानक से लौटते हुए देखे जाएंगे, जिनके कारण आपकी आर्थिक स्थिति आज काफ़ी अच्छे मजबूत भी बने रहेंगे और इनसे आपका मन भी आज काफ़ी अच्छे खुश भी दिखाई देंगे। और अगर आपका पैसा बाजार में फंसा हुआ था तो वह भी पैसा आज आपके पास वापस आ सकती हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे आप लोगों को बेफालतू को खर्चों को करने से बचकर रहना होगा। अगर आप यश में धन को ज़्यादा बचाकर नहीं चलेंगे तो आने वाले भविष्य में आप लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप लोगों को यश में धन को थोड़ा बचाकर ही चलें तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। और दोस्तों नौकरी पेशा और कारोबारियों और व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक दिन साबित होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज काम धंधे के समय व्यापार में ग्रह की चहल पहल बनी रहेंगी जिनसे आज व्यापार में काफ़ी अच्छी तेजी आएंगी और इनसे आपको अच्छे आज मुनाफे की प्राप्ति भी हो सकती है, जिनसे आज आपका मन काफ़ी खुश भी दिखाई देंगे और आज व्यापार साख के अनुरूप नए ऑर्डर भी प्राप्त हो सकते हैं। और दोस्तों जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं दोस्तों उन लोगों को इसमें काफ़ी अच्छा फायदा भी हो सकता है और आज आपके आर्थिक लाभ भी काफ़ी अच्छा होगा। और इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज ऑफिस में व्यस्त भी बनी रहेंगी और उन लोगों को समय के अंत में आने के दिन के अंत में उन लोगों को कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती हैं जिन्हें सुनकर उनका मन काफ़ी प्रसन्न और काफ़ी खुश भी दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को आज के दिन थोड़ी बहुत सावधानी रखने की काफ़ी हो सकता है होंगी, क्योंकि दोस्तों यह समय ग्रहों की कुछ नकारात्मक स्थितियाँ आपकी कुंडली पर बड़ा संकट ला सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को आज छोटे मोटे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आज अगर आप लोग किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप लोगों को जरा संभल कर और सोच समझ कर ही करने की आवश्यकता होंगी, नहीं तो आप लोगों को बिना फालतू की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पर ऐसे में आप लोगों को कार्य क्षेत्र में किसी भी इंसान पर विश्वास और भरोसा करके काम छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आप लोगों को किसी न किसी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि दोस्तों आप जिसके ऊपर भरोसा करके जाएंगे दोस्तों वही आपके साथ ऐसे में कोई धोखा कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बेहतर यह होगा कि आज आप लोग जो भी कार्य करेंगे स्वयं ही करेंगे तो आपके लिए बेहतर भी रह सकते हैं। और दोस्तों अगर स्वास्थ्य की दृष्टि में देखा जाए तो आज आप लोगों को कब्ज या फिर पेट से संबंधित अन्य विकार हो सकते हैं, तो आप लोगों को आज पेट को साफ रखने के लिए प्रयास करें तो ही आपके लिए बेहतर रहेंगे, अन्यथा आपको डॉक्टर के चक्कर तक भी लगाने पड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आज के दिन आप लोग करें कि क्षेत्र में जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी कदम उठाएंगे, कोई भी आप इसमें कार्य शुरू करेंगे दोस्तों उसमें आप लोगों को सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन आप लोगों को यह याद रखने की बहुत आवश्यकताएं होंगी। दोस्तों आज आप लोग जल्दबाजी में या फिर हड़बड़ाहट से कोई भी काम शुरू ना करें, नहीं तो आप लोगों को सफलता के बजाय नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए आज आप लोगों को गुणवत्ता एवं बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान करने में आप सक्षम भी हो सकते हैं। इसलिए आप जो भी आज कार्य करेंगे अपनी बुद्धि से और सोच समझकर ही करेंगे तो आपके लिए बेहतर भी रह सकते हैं। और दोस्तों प्रेम और संबंध की दृष्टि से अगर देखा जाए तो समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। दोस्तों आज प्रेम संबंध में आपकी प्रकटता आएंगी और लव पार्टनर के साथ आज आप लोग क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर भी आप लोगों को प्राप्त होंगे, जिनसे आप दोनों का आज मन काफ़ी खुश भी दिखाई देंगे। और दोस्तों अगर घर परिवार के माहौल में देखा जाए तो समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। दोस्तों आज घर परिवार में धर्ममय वातावरण बना रहेंगे, आज किसी भी व्रत पूजा एवं आध्यात्मिकता चर्चा आदि भी होने से घर का वातावरण आज धार्मिक भी रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में कई दिनों से चला आ रहा गतिरोध आपके आज समाप्त भी हो जाएंगी और आज किसी भी परिजन या फिर दोस्तों के लिए कुछ पैसों का इंतजाम भी आपको करना पड़ सकता है। और सायंकाल के समय आपको अपने संतान की ओर से कुछ ऐसे बड़ी सफलता प्राप्त होंगी जिन्हें
सुनकर आपके पूरे घर में आज खुशी का माहौल भी दिखाई देंगे जी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों कि आने वाले इन 24 घंटे के अंदर आने के लिए शुक्रवार के दिन आप लोगों को वो कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिले और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बनी रहे। दोस्तों आप लोग शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद नीम के पेड़ में जल अर्पित करें और साथ ही आप लोग शुक्रवार के दिन किसी भी माता लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर 16 श्रृंगार का अर्पित करें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियों से आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेंगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बनी रहेंगी और आपके सारे संकट भी दूर हो जाएंगे और आपके सारे मनोकामनाएँ भी जल्दी पूर्ण हो जाएंगी।